विदिशा जिले के लटेरी के ग्राम ककराज निवासी कैलाश केवट की हत्या करने वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। 11 सितंबर 2018 को ग्राम ककराज के कैलाश केवट मवेशी लेकर उन्हें चराने के लिए जंगल गया था। शाम को सभी मवेशी वापस लौट आए, लेकिन कैलाश वापस नहीं लौटा। इस पर कैलाश के परिजनों ने आसपास के जंगल देखे, जहां कैलाश नहीं मिला तो उन्होंने थाना लटेरी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान कैलाश केवट की लाश झंडा वाले जंगल में झाड़ियों में पड़ी मिली। कैलाश की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट लगने के निशान पाए गए थे, जिस पर लटेरी पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। विदिशा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशन में SDOP के द्वारा एक टीम गठित की गई। इस टीम के द्वारा मकसूदनगढ़, शमशाबाद एवं आसपास के इलाकों में जाकर पूछताछ की गई। इस पर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। तब पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा बारीकी से जांच करने के निर्देशन को देते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन के बाद लटेरी पुलिस द्वारा रायपुर के 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग बच्चों ने बताया कि हमारा विवाद कैलाश केवट से हो गया था। जब हम बकरी चराने गए थे तो खेलने पर विवाद हो गया था, जिस पर से हमने कैलाश केवट पर कुल्हाड़ी और एवं पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। उक्त दोनों नाबालिग बच्चे मृतक कैलाश का मोबाइल फोन बंद कर अपने साथ ले गए थे। लटेरी पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं मृतक का मोबाइल इन दोनों नाबालिग बच्चों से जब्त कर लिया गया है। लटेरी पुलिस द्वारा धारा 302 हत्या करने के संबंध में एवं साक्ष्य छुपाने के संबंध में धारा 201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को संरक्षण में ले लिया गया है। सितंबर महीने में 2018 में पकराज का कैलाश केवट जंगल में गांव के जानवर चराने के लिए गया हुआ था। वो लौट के नहीं आया। घर वालों ने चिंता की, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। घूमने की रिपोर्ट के बाद में हाका लगा कि हम लोगों ने गांव वालों के सहयोग से पता किया तो उसकी लाश पकराज और रायपुरा के बीच ऊपर जंगल में मिली। जांच करने पे कुलाड़ी का एक गहरा घाव उसकी गर्दन में पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि इसकी किसी ने हत्या करके लाश को यहीं छोड़ के चला गया। काफ़ी इसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश के आसपास जंगल में, आसपास के गांवों में, मकसूदनगढ़, गुना, बैरसिया, शमशाबाद आदि इलाकों में हमने तलाश की, लेकिन पता नहीं चला था। हमारे नावागन तक पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रकरण की समीक्षा की और कुछ विवेचना के नए बिंदु देते हुए आगे नए एंगल से विवेचना करने के लिए हमको कहा, जिस पर हमने SDOP साहब से मार्गदर्शन लेके विवेचना की। तो हम और हमारे थाने की टीम द्वारा लगे रहने पे और तकनीकी तरीके से विवेचना करते हुए, तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए विवेचना करने पर आखिर हमको आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिल गई। आरोपी ग्राम रायपुरा के 2 नाबालिग बच्चे हैं जो जंगल में बकरी चराने के लिए गए हुए थे। वहीं पे इनका मृतक से विवाद हुआ और इन्होंने कुल्हाड़ी और पत्थर मार के कैलाश केवट की हत्या कर दी थी। हमने इनसे हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं मृतक का मोबाइल भी ये लोग उठा के ले आए थे साथ में, जो बंद कर दिया था उन्होंने, तो मोबाइल भी हमने बरामद कर लिया है और इनको अभिरक्षा में लेके गिरफ्तार करके मामले की तह तक पहुंच गए हैं। क्या ये अभी तक कुछ है? इनकी पहले जानकारी मिली थी कहीं फरारी में चल रहे थे क्या ये? नहीं, ये घटना के बाद में इन्होंने किसी को घटना के बारे में नहीं बताया था। इससे गांव वाले, यहाँ तक कि इनके परिवार वालों को भी घटना के संबंध में नहीं मालूम था, परंतु कुछ तकनीकी विवेचना करने पर आगे हमको सुराग लगे और सुराग को आगे बढ़ाते हुए हमने विवेचना की तो फिर ये पूरा राज पर्दाफाश हुआ है। किन किन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है? क्या हत्या की धारा है? 302 है और कुछ साख छुपाने के संबंध में भी है। लटेरी से ग्राउंड रिपोर्टर जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट।